नमस्कार प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अशोकानंद सर आप लोगों के समक्ष कई वीडियो को लेकर के आते रहे हैं समय समय पे, और जिनमें कई शिक्षा जनक श्लोक की चर्चा की गई है। हमारे जीवन में जो प्रेरणादायी स्रोत है और जिसने हर संकट हर काली रात में हमें मुक्ति प्रदान की है, वो है श्रीमद् भगवद् गीता। तो चलिए उसी के एक श्लोक की आज चर्चा करते हैं। यह श्लोक गीता के चौथे अध्याय के 22वें नंबर पे आता है। तो चलिए बिना विलंब किए गीता के श्लोक को सुनते हैं हम लोग। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला व्यक्ति कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि कभी भी किसी चीज की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि परिणाम तो हमारे बस में होता नहीं है, श्रम ही हमारे बस में है, तो उसी पे फोकस करने चाहिए। आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो भली भांति समझ पाएंगे कि हमारी इच्छा है कि हम गाड़ियों पे चले, लेकिन परिणाम हमारे बस में नहीं है। गाड़ियों पे तो हम नहीं चल सकते ना, कर्म कर सकते हैं। तो जो मिला उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, हमेशा आशावादी रहना चाहिए, इसका ये अर्थ है। अगर आप हमेशा आशावादी रहेंगे तो जो मिलेगा उसी में संतुष्ट है, संतुष्ट है तो चेहरे पे मुस्कान है। बहुत सारे लोग जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उनको भी मानसिक कष्ट क्लेश ने पीड़ा दिया है। याद रखिए कि एक मशीन को चलाने वाला जो संचालक होता है वो मस्तिष्क होता है, लेकिन मस्तिष्क ये जो बॉडी है वो मस्तिष्क ही चला रहा है, लेकिन ये मैनेजर है, मैनेजमेंट है, ये बॉडी का मैनेजमेंट पार्ट है। हार्ट जो है वो लाइफ है। अगर मैनेजमेंट गड़बड़ा जाए तो इंसान कोमा में जा सकता है, लेकिन जीवित रह सकता है। लेकिन हृदय जो है वो बंद हो जाए धड़कन, तो इंसान का निधन हो जाएगा। तो उसके हिसाब से चलने चाहिए, हृदय की पुकार, परमात्मा की पुकार, आत्मा की पुकार सुननी चाहिए, और जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ईर्ष्या का सर्वथा अभाव रखना ही चाहिए। क्या मिलेगा गलत करके, समय पोस्टमैन की तरह है और हमारे हर बुरे कर्म को एक पत्र के समान भविष्य में एक खास पते पर पहुंचा ही देता है, तो फिर क्या फायदा गलत करके। और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत होना, यानी इससे निकल जाना, ना तो कभी सुख में ज्यादा खुशी के मारे फूल जाना, गुब्बारा हो जाना, या और ना ही दुख में सदमे के मारे गुब्बारा हो जाना, रूठ जाना, इससे मुक्ति जरूरी है। भाई घाव है तो आप चाहे रोइए या हंसिए, घाव तो एक सही समय पर ही ठीक होगा। अगर कोई सूर्य है, बहुत धूप लग रही है, तो आपके रोने हंसने से तो सूर्य भगवान अस्त नहीं होंगे, वो नियत समय पे ही अस्त होंगे। सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता में समान रहना ही
कर्मयोगी होना है, और ऐसा कर्मयोगी जो कर्म से करते हुए भी नहीं बनता है वही श्रेष्ठ है। हर मनुष्य को ऐसा होना चाहिए। याद रखना चाहिए हमें कि ये दोनों ही धोखेबाज हैं। ना तो सफलता को हमेशा लोग याद रख करके आपको याद रखने वाले, ना ही असफलता को ही। सफलता असफलता हमारे जीवन के साथ ही खत्म हो जाएगी, केवल हमारे अच्छे कर्म ही साथ जाएंगे। तो किस दिशा में हैं हम, ये दृष्टिकोण हमेशा अपनाना है। हमेशा सकारात्मक सोच और सकारात्मक कदम ही उठाने चाहिए ताकि भविष्य में पछताना ना पड़े। इतने सारे सिद्धांत सूत्र बने हुए हैं जीवन जीने के लिए, जैसे ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, अति सर्वश्रेष्ठ सर्वत्र वर्जयेत, इन सब को अपनाए, चले ना आवे अगनमा टेढ़, और अधजल गगरी छलकत जाए, नीम हकीम खतरे जान, इन सभी को जीवन में धारण कीजिए। सदा संतुष्ट रहेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।